हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। और चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग सो के उठ चुके हैं, तो सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि शवल बनाई कि नहीं बनाई, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शायद बनाई थी, शायद नहीं बनाई थी। तो जल्दी से अपन लोग एक शवल बना लेते हैं, क्योंकि तो शवल बनाने के लिए पहले स्टिक्स को रखना पड़ेगा। हाँ, तो शवल बन गई अपनी, तो इसको रखते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। और ये अपनी शवल बन चुकी है। तो सबसे पहले अपन लोग एरिया फ्लैट करने के लिए थोड़ा बहुत डर्ट को कलेक्ट करके लाते हैं। तो जल्दी से जितनी भी सारी ये डर्ट है वो अपन लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी काम करते हैं। ओके, तो मैंने जितनी भी सारी डर्ट थी वो कलेक्ट करके लेके आ गया हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर थोड़ा बहुत खड्डा है, उसमें भर देते हैं ये डर्ट को। तो इसमें भर देते हैं डर्ट को इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे भी लग चुकी है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत फूड को मेल्ट होने के लिए रखा था, तो वो भी ले लेते हैं अपन लोग अपनी पॉकेट में। तो इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत खाना पकाने के लिए भी रख देते हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों को इतना बहुत एरिया फ्लैट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत और फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि तो थोड़ा बहुत एरिया को और एक्सपेंड करते हैं। तो थोड़ी बहुत डर्ट और लगा देते हैं यहाँ पर। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो ओके, तो अभी हमने इतना सारा एरिया क्लीन कर दिया, तो मतलब फ्लैट कर लिया। तो यहाँ को साइड में रखता है। और हम लोगों ने एक आयरन की एक बकेट बनानी है। तो आयरन लास्ट वीडियो के अंदर अपन लेके आए थे, 3 आयरन मिला था, तो इसको मेल्ट होने के लिए रख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे और कोल को रखा है यहाँ पे। तो ये जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक अपन लोग स्टोन को लेके आ जाते हैं। तो जल्दी से चलते स्टोन को लेने, तो जल्दी से स्टोन कहाँ मिलेगा अपन को। स्टोन मिल चुका है, तो इसको ले लेते, थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेते। स्टोन कलेक्ट कर लिया। और ये मुर्गी मेरे को बहुत खटक रही है, तो इसको मार लेते हैं। फार्म अभी बना का है, अभी बनने वाला है गाइस। तो टॉर्च भी गलत जगह लगा दी मैंने। ओके, तो आयरन अपना मेल्ट होके कंप्लीट हो गया है। तो इससे 3 आयरन को ऐसे प्लेस कर लेते हैं इस तरह से। एक को रखा यहाँ पे और एक को रखा, एक को साइड में रखे। तो ये अपनी आयरन बकेट बन गई है। तो जल्दी से चलते हैं अपन लोग पानी लेने। तो मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लूँगा, तो वो आप देखते जाना। और हाँ, तो यहाँ से उतारते हैं पानी। और एक सेकेंड, हाँ ले ले। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस अपनी घर की तरफ। तो मेरे को 2 बार आना पड़ेगा पानी लेने के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड वाटर सोर्स के लिए तो यही करना पड़ता है। तो एक बार पानी को साइड में रखते और चल के सोते, नहीं सोते नहीं, सबसे पहले अपन लोगों को एक हो बनानी पड़ेगी, हो। तो ये अपनी हो बन चुकी है, तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और मेरे को पहले किस एरिया में वो, मतलब कितने एरिया में फॉर्म बनाना वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं 4 ब्लॉक का रख रहा हूँ, 3 या 4, 1 2 3। ओके, तो 3 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे गड्ढा करना है। और 1, हाँ 4 ब्लॉक के यहाँ हिसाब से करना है। तो
इसको भी कर लेते हैं, और चार ब्लॉक के हिसाब से इसको भी ले लेते हैं। तो इसको अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए शायद मेरे को यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा, फिर इधर की साइड डालने के लिए मेरे को एक बार वापस से एक बार पानी लेने वापस आना पड़ेगा। तो जल्दी से पानी उठाते हैं और चलते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बना लेते हैं। और ओके, तो ये वाला पानी है ना, यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, तो अनलिमिटेड वाटर सोर्स तो बन गया है, तो यहाँ पे और गड्ढा कर लेते हैं और यहाँ पर पानी और डाल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो ऐसा कैसा मेरे को उस तरफ भी करना है, तो सबसे पहले ऐसे हो कर लेते हैं, क्योंकि तीन तीन ब्लॉक के गैप में अपन लोग हो कर लेते हैं। हाँ, तो फैंस बना लेते हैं, क्योंकि फैंस की ज़रूरत है, क्योंकि रात को ज़ॉम्बीज वगैरह आएंगे तो अपने फार्म को बिल्कुल ख़राब कर देंगे, तो फैंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत फैंस को बना लिया है, तो फैंस को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मैं पॉकेट में रखना भूल जाता हूँ यार। तो जल्दी से जितने भी सारे फैंस है वो यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जितने चारों तरफ फैंस को लगा लेते हैं। और यहाँ बीच में अपना गेट बना लेते हैं, यहाँ पर गेट बनाने के लिए छोड़ देते हैं, और इसके तरफ चारों तरफ फैंस को लगा लेते हैं। तो फैंस बाद में लगाते रहेंगे, तो सबसे पहले अपन लोग सीड्स लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम आगे बढ़े। तो जल्दी से जितना भी सारा सीड्स है वो लगा लेते हैं अपन लोग। ओके, तो इस तरफ भी लगा लेते हैं। ये अपना फार्म बन के रेडी हो चुका है, तो मैंने चारों तरफ फैंस लगा दिए, एंड जितनी भी सारी सीड्स को मैं लाया था कलेक्ट करके वो भी लगा लिए। तो ठीक ठाक फार्म बन गया है, तो अभी अपने पास फूड की कोई कमी होने वाली नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है ये फार्म, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग चलते हैं गुफा में माइनिंग करने के लिए। तो माइनिंग करने के लिए थोड़े बहुत टॉर्च बना लेते हैं। अरे, टॉर्च को ऊपर रखना, ये नीचे रखना, और ये अपना। तो चार टॉर्च बन गए। तो थोड़ा बहुत फूड वूड सब लेके जाएंगे खाई, ताकि ज़ॉम्बीज वगैरह अटैक करे तो मरे नहीं। तो जाने से पहले यहाँ पे टॉर्च भी लगा लेते हैं। तो अभी हम लोग जितनी भी फालतू चीज़ें वो यहाँ पे अपने पॉकेट में रख लेते हैं, एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अपने काम आएंगी वो अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कि ये अपनी एक पिकैक्स है, स्वेड है, शवल है, एंड ये क्या है, थोड़ा बहुत फूड भी ले लिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं किसी माइन में, तो देखते हैं आसपास कौन सी माइन है, उसमें जाते हैं, क्योंकि अभी रात होगी गाइस। तो सुबह चलते हैं और माइनिंग करने के लिए सुबह चलते हैं कभी गाइस। तो ये मेरे को दिखी तो है गाइस, तो इसको बाद। तो अभी हम लोग रात हो चुकी है, तो बहुत ढूंढा पर माइन नहीं मिली। तो अभी हम लोग वापस से चलते हैं और चल के सोते हैं, और सुबह जाएंगे माइनिंग करने के लिए। ऑल डन गाइस, तो अभी हम लोग मैं जाने वाला हूँ माइनिंग करने के लिए। तो माइनिंग करने से पहले यहाँ पर एक पिलर बना देते हैं, क्योंकि अपन लोग दूर जा रहे हैं, तो खो जाए तो वापस ना मिले ना मिले।
तो अभी हम लोग चलते हैं किसी माइन के अंदर, तो आ चुके हैं केव के अंदर आ चुके हैं, तो इसके अंदर चलते हैं। और मुझे लगता है इसके अंदर आयरन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि तो कोल मिल चुका है, तो कोल को भी ले लेते हैं गाइस, काम आएगा। तो जल्दी जितना भी सारा कोल है वो ले लेते हैं और इसकी तरफ। ओके, तो आगे और बड़ी सी केव है, तो अंदर चलते हैं और इस तरफ नीचे की तरफ चलते हैं। तो मेरे को आयरन मिल जाता तो ठीक रहता, पर आयरन इसमें होगा कि नहीं होगा। ओके गाइस, तो आयरन मिल चुका है, तो फाइनली मेरे को आयरन मिल चुका है। तो सबसे पहले मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, तो मेरे पास कोई ब्लॉक है क्या यार? क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास पिकेक्स टूट गई है, तो पिकेक्स भी बना ली मैंने। तो अभी हम लोग चलते हैं आयरन को लेने, तो देखते हैं कितना सारा आयरन मिलता है। तो अभी हम लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और नीचे भी बहुत सारा आयरन है, तो उसको भी जल्दी से उठा लेते हैं, क्योंकि इससे मेरे को लगता है आयरन का आर्मर तो बन ही जाएगा। तो आज हम लोग कुछ भी करके आयरन का आर्मर बना लेंगे अपने लिए, और थोड़े बहुत आयरन के टूल भी बना लेंगे। तो जल्दी से थोड़ा बहुत आयरन और मिल जाता तो अच्छा रहता, पर ठीक है आयरन मिल गया। तो अंदर की तरफ चलते हैं, और नीचे क्या है? नीचे शायद गाइस माइन शाफ्ट होगी, क्योंकि माइन शाफ्ट जैसी लग रही तो है। फिर चल के देखते हैं, तो ओके, तो ये माइन शाफ्ट ही है गाइस, तो इसके अंदर माइन शाफ्ट ही है गाइस। तो यहाँ पर टॉर्च को प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि अपन खो ना जाए इसके लिए। तो ये भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि अपने काम आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास चीज़ों की बहुत कमी है। तो इसको भी ले ही लेते हैं, इसकी तरफ भी ले लेते हैं। एंड इस तरफ चलते हैं और चलते हैं। अरे मैं आगे का क्यों नहीं जा रहा? मैं फंस गया गाइस, फंस गया। अरे यार फंस गया यार, बाहर कैसे निकले? ओ निकल गए। तो चलते हैं अंदर। तो ओके, तो थोड़ा बहुत आयरन और मिल रहा है, तो जल्दी से जितना भी सारा आयरन है वो ले ले, क्योंकि आयरन दिखता है तो मैं टूट पड़ता हूँ उसमें। तो जल्दी से जितना भी सारा आयरन है वो ले लेते अपन लोग, और थोड़ा बहुत उस तरफ भी है। मैं शायद माइन शाफ्ट की तरफ वापस चलता हूँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन मैंने देखा था, तो वहाँ पर चलते हैं वापस से। और जितना भी इस तरफ है, ओ गाइस कितनी बड़ी केव है। तो अभी मैं रिस्क नहीं लेने वाला, नीचे नहीं जाने वाला, अभी हम लोग बिल्कुल ही नूब है, तो अपनी हद में रहे तो अच्छा है। पर आयरन मिल जाता थोड़ा बहुत, तो एग्जैक्टली मेरे को 16 आयरन मिला है, तो थोड़े बहुत और मिल जाते तो मैं आयरन के टूल्स एंड आर्मर भी बना सकता था। तो मेरे को यही कहीं पे आयरन दिखा था गाइस, तो कोई नहीं ढूंढते हैं।
ओके शायद साइट में दिखा था मेरे को, पर पहले अंदर जाके देखते हैं क्या है। अंदर कुछ नहीं है, ख़त्म। तो जल्दी से साइट के दीवार की साइट में ये आयरन है, तो जल्दी से जितना भी सारा आयरन है वो ले लेते हैं अपन लोग। तो शायद तक इससे अपन की आयरन की कमी तो पूरी हो जाएगी, मतलब कमी तो नहीं कह सकते पर अपना आयरन और कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो अभी हम लोग अपने घर पर आ चुके हैं, तो जल्दी से जितना भी सारा आयरन है वो अपन लोग मेल्ट होने के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखा और कोल को रखते हैं यहाँ पे। ओके तो आयरन मेल्ट होना शुरू हो रहा है। तो ओके तो आयरन मेल्ट होके बन चुका है। तो सबसे पहले मेरे को एक प्लेट बनानी पड़ेगी, आर्मर प्लेट। तो आर्मर प्लेट ऐसे बनती है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके तो आयरन आर्मर प्लेट बन गई है। एंड एक अभी पेंट बना लेते हैं, पेंट नहीं सबसे पहले अपन लोग ये बना लेते हैं थोड़ा बहुत आयरन। अरे यार कैसे रख रहा हूँ, हाँ ये पेंट बन गई है। एंड एक हेलमेट बना लेते हैं। तो हेलमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, शायद बूट्स बना लिए। एंड आर्मर पे आर्मर क्या सॉरी ये अपना हेलमेट भी बन चुका है। तो जल्दी से आयरन का आर्मर पहन लेते हैं अपन लोग। तो गाइस आज हमने कुछ भी करके आयरन को ढूंढ लिया एंड आयरन का आर्मर भी बना लिया है। तो स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी से हुई है। तो ओके तो ये आर्मर बन के रेडी हो चुका है। तो आपको कैसा लगा ये आयरन का आर्मर, तो कैसा लगा तो बना कमेंट करके बताना। और एटलीस्ट आर्मर तो बना ही लिया है। तो अभी हम लोग इस वीडियो की एंड करते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए गुड एंड बाय।